वैलेंटाइन डे जल्दी आने वाला है और आज हम आपको बताएंगे कि रोमांटिक मूड कैसे बनाएं अपने और अपने साथी के लिए, साथ ही छुट्टियों के लिए कैसे घर को सजाएं। हम चुटकी से प्यार का इजहार करेंगे, कैंडीज को एंजल्स में बदलेंगे, वैलेंटाइन के लिए प्यारे उल्लू बनाएंगे। पहले लाइफ पैक के लिए आपको तार और एक बल्ब चाहिए। तार को दिल का आकार बनाने के लिए मोड़ें, दो दिल बनाएं और उन्हें लकड़ी के क्यूब पर लगा दें। बल्ब के अंदरूनी हिस्से को निकाल लें और दिल के आकार को इसके अंदर डालें। इस पर एक प्यार भरी कोट लिखें। ये प्यारी और रोमांटिक चीज दो लवर्स के लिए यादगार रहेगी। ये बहुत अद्भुत लग रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि अपनी पसंदीदा कैंडीज के साथ आप क्या कर सकते हैं। क्ले के एक टुकड़े को गूंथ लें, इसे एक बॉल का आकार दें और कैंडी पर लगा दें। दो छोटी बॉल्स लगाएं, पीले धागे को कई बार मोड़ें, हॉट ग्लू से धागे को क्ले वाली बॉल के साथ चिपकाएं। आंखें और मुंह बनाएं, फोम रबर शीट से पंख बनाकर काटें, इन्हें एंजल पर ग्लू से चिपका दें। कुछ शीट्स पर म्यूजिकल नोट्स बनाएं और एंजल के हाथ में पकड़ा दें। अब आपके पास बस कैंडी नहीं बल्कि मजाकिया एंजल्स की तिगड़ी है। इस लाइफ हैक के लिए आपको एक फ्रेम चाहिए। मैप को प्रिंट करके दिल के आकार में काट लें। इन्हें एल्मर्स ग्लू की मदद से फ्रेम पर चिपकाएं। पहली लोकेशन वो है जहां आप पहली बार मिले थे और दूसरी वो जहां आपने पहली बार किस करी थी। लेबल्स लगाएं, एक डॉट और एरो वाली लाइन बनाएं। इस मैप वाले तोहफे को अपने वैलेंटाइन को दीजिए। एक रोमांटिक तोहफा आपको याद दिलाएगा कि आपकी लव स्टोरी कहाँ शुरू हुई थी और साथ ही ये आप दोनों को और भी नजदीक ले आएगा। किसी को अंगूठी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे जरूरी चीज तो ये कि तोहफा दिल से होना चाहिए। आपको बहुत सारे अलग अलग आकार के डिब्बे चाहिए। सबसे पहले एक छोटा डिब्बा लें, इसे रंगीन सीक्वेंस से भरें और इसमें रिंग्स को छुपा दें। डिब्बे को रैपिंग पेपर में लपेटें। बड़े डिब्बे में भी सीक्वेंस को डालें, इसे बंद करके लपेट दें। इसी चीज को बड़े डिब्बे के साथ भी दोहराएं। अब इस डिब्बे को और भी बड़े डिब्बे में डालें। हर परत को ध्यान से कन्फेटी और चमकीली डालकर रैप करें। अलग अलग रैपिंग पेपर का इस्तेमाल करें ताकि इसे खोलने की प्रक्रिया बहुत मजेदार हो। आखिरकार हम बड़े डिब्बे तक पहुंच गए। इसमें तोहफा रखें, इसे लाल रिबन लगाकर बांधें। इस तोहफे को अपनी स्वीटहार्ट को दें। ये डिब्बा बहुत आकर्षक है। उसने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि असली का तोहफा बहुत छोटा होगा और इसे खोलना असली तोहफे से कहीं ज्यादा मजेदार है और एक रिंग से ज्यादा कीमती भी। ये एक असली सरप्राइज है। उसने इन डिब्बों में एक रिंग की आशा नहीं करी थी। और अब है वो जो आप लाल रिबन और धागे से बना सकते हैं। रिबन को काटें और आधा मोड़ लें। हर छोर पर डबल साइडेड टेप को लगा दें। कोनों पर हॉट ग्लू लगाकर गोले बनाएं। इन्हें डबल साइडेड टेप से जोड़ दें। आपको इसके लिए बहुत सारे दिल की जरूरत है। दिल को धागे के साथ हॉट ग्लू से लगाएं। इन कागज के दिलों को एक बड़े दिल के आकार में काट दें। वैलेंटाइन्स डे के लिए एक गार्लैंड तैयार है। ये बहुत रोमांटिक दिख रहा है। और अब अगले लाइफ हैक के लिए आपको गत्ते का टुकड़ा और पेन चाहिए। गत्ते से एक एरो को काटें, इसे कोनों पर काले मार्कर से रंगें, इसे लंबाई में मोड़ें, दो कट्स लगाएं, लूप्स में पेन को डालें। कुछ ऐसे ही पेंस बनाएं और अपने क्लासमेट्स को दीजिए।
जिस किसी को भी ये अद्भुत वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट मिलेगा वो इस क्यूपिड की एरो को तोहफे के रूप में पाकर बहुत खुश होगा। ये एक प्यारा और फायदेमंद सरप्राइज है। दूसरे आइडिया के लिए अपनी दोनों की एक तस्वीर को ढूंढे, इसे प्रिंट कर लें। बेहतर होगा अगर आप मोटे कागज का इस्तेमाल करें। फोटो पर पेन से निशान लगाएं, बड़े पजल के टुकड़े बनाएं, इसे लाइंस के मुताबिक काटें और टुकड़ों को मिला दें। एक और तस्वीर को प्रिंट करें और पैकेज के अंदर डालें। इसमें बाकी के टुकड़े डालें। जाहिर सी बात है, इस पजल को एक साथ जोड़ना कितना मजेदार है। अगला लाइफ हैक गत्ते के टुकड़े के साथ है। एक डॉट वाला दिल बनाएं, डॉट को छेद में बदलें। अब आगे आपको क्रिसमस की लड़ियां चाहिए। छेदों के अंदर बल्ब्स को डालें, गत्ते को फ्रेम में रखें। इसका अंजाम एक सुंदर सा लैंप निकला। एक जग उठने वाला दिल आपके प्रिय के लिए यादगार वैलेंटाइंस डे का तोहफा होगा। और अब आपको गत्ते की ट्यूब, स्क्रैपबुक पेपर और कुछ सजावटी सामान चाहिए। ट्यूब को गुलाबी कागज में लपेटें। आंखें और पीली चोंच बनाएं। लाल फेल्ट पर पंख बनाएं, इन्हें काट लें। पंखों को उल्लू पर लगा दें। हॉट ग्लू लगाएं और इस पर सीक्वेंस को छिड़कें। पंखों के बीच एक लव नोट लगा दें। ऐसा ही एक और उल्लू बनाएं। वैलेंटाइन डे के लिए कैसा रहेगा? ये उल्लू तो बेहतरीन लग रहे हैं। जब आप प्यार में होते हैं तो अपने सोलमेट का हाथ हमेशा ही पकड़ना चाहते हैं, मगर इस फरवरी की ठंडी हवा से आपके हाथ जल्दी ठंडे हो जाते हैं। हम आपको सिखाएंगे कि अपने हाथों को गर्म कैसे रखें। आपको दो मिटन्स वाले दस्ताने चाहिए। मिटन्स की टिप्स को काट लें, अंदर की तरफ कट्स लगाएं। इन्हें एक साथ सिल दें। सजावट के लिए फेल्ट के एक दिल के आकार को काट लें। दिल को एक लाल धागे के साथ सिलें और हो गया। ये दो लोगों के लिए मिटन आपको हमेशा साथ रखेगा। आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं और अपने हाथों को गर्म रखेंगे इस सर्दी के मौसम में भी। और अब हम आपको बताएंगे कि साधारण मोमबत्ती को खास चीज में कैसे बदलना है। मोमबत्ती को टुकड़ों में काटें, विक को निकाल लें। अब इसे छोटे टुकड़ों में काटें। दिल के आकार का सिलिकॉन का सांचा लीजिए। विक्स को सांचों में रखें, इसमें वैक्स के टुकड़े को डालें। मोम को ओवन में पिघलाएं और इसे ठंडा होने दें। सांचों से मोमबत्तियों को बाहर निकालें। आपको प्यार के एहसास के साथ बहुत अच्छी कैंडल्स मिली हैं। एक चौड़े कांच की वेस में पानी डालें। इसकी सतह पर गुलाब की पंखुड़ियां डालें। मोमबत्तियों को पंखुड़ियों में रखें, इन्हें जलाएं। फूलों के साथ तैरती हुई मोमबत्तियाँ रोमांटिक ऑरा बनाएंगी और आपकी शाम को और जादुई बना देगी। अगले लाइफ हैक के लिए आपको हीलियम के गुब्बारे चाहिए। अपनी और अपने साथी की कुछ तस्वीरें लीजिए। हर तस्वीर पर डबल साइडेड टेप को लगा दें। गुब्बारों को छत तक उड़ने दें। धागों पर तस्वीरों को लगा दें। ये उड़ती हुई सजावट फेस्टिव ऑरा बनाएगी और आप और आपके साथी के लिए ही खास होगा। और अब अगले लाइफ हैक, फोम रबर शीट और चिटकी को लीजिए। फोम रबर शीट से दिल का आकार काट लें। इसे हॉट ग्लू से चिटकी के ऊपर इस तरह लगाएं। दो और चिटकी लीजिए और छोटे अक्षरों को काटें। अक्षरों को हॉट ग्लू से लगा दें। आई लव यू का स्टैम्प तैयार है। इस स्टैम्प से आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। ब्रश से पेंट को लगाएं, दिल वाला स्टैम्प बनाएं। अब पेंट को अक्षरों पर लगाएं और छापें। अपने प्यार का इजहार करना कितना आसान है। अगर आप किसी को सीधा सीधा नहीं बोल सकते तो इस स्टैम्प के जरिए से प्रिंट करके बताएं।
क्या आपको हमारे वैलेंटाइन्स डे के लाइफ हैक्स पसंद आए? आप अपने साथी के लिए कौन से लाइफ हैक को इस्तेमाल करेंगे? हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे रोमांटिक वैलेंटाइन डे के आइडिया ट्रूम ट्रूम से मिस ना कर दें।